अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ टिप्स। आज हम बात करेंगे हाउ टू रीड फास्टर, हम थोड़े टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत से तुलबा और बहुत से लोग इस मसले से दोचार हैं कि भाई टाइम हमारे पास बहुत कम है लेकिन हम ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो इसी कश्मकश में वो परेशान रहते हैं और वो अपना थोड़ा सा भी सबक नहीं पढ़ पाते। तो आज हम आपके लिए बहुत सारी ज़बरदस्त टिप्स लेके आए हैं जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने थोड़े से टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ना है। पहली और ज़बरदस्त जो टिप ये वो ये है कि आपने जो भी टेक्स्ट है उसको रिव्यू करना है, उसकी जो मेन हेडिंग्स है, जैसे कि उसका टॉपिक है और उसके पास मेन हेडिंग है और उसके पास जो बोल्ड वर्ड हैं या कैपिटल वर्ड्स हैं, उनको आपने सबसे पहले एक पेज पे लिख लेना है और उनका जायज़ा वगैरह लेना है और देखना है कि उनमें से राइटर क्या कह रहा है। उसके बाद अगर आप फालतू टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी 2 या 4 पेजी या 1 पेजी का जो भी टेक्स्ट दिया गया है आपने उसको सबसे पहले रिव्यू करना है, उसका जायज़ा लेना है। उसमें आपने ये सोचने की कोशिश करनी है कि जो राइटर है वो क्या कह रहा है। अगर राइटर के असल मकसद आप पहचान लेते हैं तो समझ लें कि आपने उस टेक्स्ट पर महारत हासिल कर ली और थोड़े वक्त में आप उस टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसके ख्यालात से अपने जहन को साफ कीजिए। अगर आपका जहन पढ़ाई की तरफ नहीं होगा तो आप सही तरह से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जहन में वही शोर, वही खलफशार और वही डिस्टरबेंसेस आती रहेंगी जिसकी वजह से आप सही तरह से अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। वो ये है, राइट डाउन समरी ऑफ योर लेसन एंड अवॉइड इररेलीवेंट कॉन्टेंट। आपने जो लेसन पढ़ा, जो पेजेस पढ़े, जो भी स्टोरी पढ़ी, उसकी एक समरी बनाई, उसमें जो मेन पॉइंट है आप उनको एक लहजा लिख लें और जो इररेलीवेंट मटीरियल से अवॉइड करें उनको एक साइड पर रख दें। बहुत सारी स्टोरियों में कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ मोरल लेसन होते हैं और उसमें से कुछ मेन बातें बताई जाती हैं, उन मेन बातों को आपने एक पेजेस पे लिख लेना है और जो इररेलीवेंट उनको एक पेज पे लिख लेना है। अगर आप उनको मिक्स कर देंगे तो समझ लें कि आपने सारी स्टोरी गड़बड़ कर दी। तो लिहाजा हमारी जो चौथी टिप वो यही है कि आपने जो रेलिवेंट चीज़ है उसको एक साइड पे कर लेना है और इररेलीवेंट है उसको एक साइड पे कर। आपके साथ चंद टिप्स शेयर की हैं, उस पर अमल करेंगे तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल